हर विराट के पास अपना धोनी नहीं होता। जी हाँ, जो पिछला मैच हुआ भाई भारत बनाम वेस्ट इंडीज का, उसके अंदर भाई तिलक वर्मा ने नाबाद 49 रन बनाए और सामने कौन खड़े थे भाई जीत के टाइम पे, सामने खड़े थे भाई कप्तान साहब यानी कि हार्दिक पांड्या। भाई जब ये आखिरी का जो मैच यहाँ पर खत्म हुआ, टीम इंडिया पर मैच जीती और विजयी रन यहाँ पर भाई हार्दिक पांड्या के बल्ले से आए, हार्दिक पांड्या ने भाई MSG के एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में छक्का मार के मैच खत्म किया। लेकिन 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 भाई 2 रन यहाँ पर जीत के लिए चाहिए थे और गेंदे काफी ज्यादा पड़ी हुई थी, लेकिन भाई यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा और भाई तिलक वर्मा को 49 रन के 49 रनों पर पवेलियन भेज दिया, जिसका मतलब भाई मैच खत्म हुए तो पवेलियन लौट गए। तो भाई लेकिन अब ये सब पूरा सिलसिला हुआ, इसके बाद यहाँ पर फैंस को याद आया एक मूवमेंट जो कि आप सबको हम सबको बिल्कुल एकदम तरोताजा है दिमाग में। वो मूवमेंट था भाई 2014 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का, जहां पर भाई भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने थे। विराट कोहली ने भाई एक और करिश्माई पारी खेली थी जहां पर भाई टीम इंडिया को जीत दिलाने के अंदर अहम योगदान निभाया। भाई वैसे तो MSD बहुत बड़े फिनिशर और हम सबको पता कि भाई MSD को कैसे आदत है छक्के मार के मैच खत्म करने की, तो इस मुकाबले के अंदर भी भाई सिचुएशन कुछ ऐसे ही थी। MSD के पास पूरा मौका था जहां पर वो छक्का मार के मैच अपना खत्म कर सकते थे, लेकिन भाई MSD चाहते थे कि यहां पर जो विनिंग रन्स है वो विराट कोहली के बल्ले से आए। विराट कोहली ने इतनी शानदार पारी खेली और जो विनिंग रन्स है उसका भाई कोई भी क्रेडिट ना छीने विराट कोहली से, और भाई विनिंग रन्स विराट कोहली के बल्ले से आए। तो लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, MSD को भाई एक प्रॉपर हाफ पिच बॉल मिली थी जो उसको भाई पुल मार सकते थे और भाई मैच को खत्म कर सकते थे, लेकिन MSD ने कहा भाई आप विराट, आप हमारे लिए मैच खत्म करके लाइए और आप जितना आप क्लोज लेकर आए हैं मैच को, आपने विजयी पारी खेली है तो भाई मैच को खत्म भी आप ही करिए। तो भाई MSD ने उस गेंदबाज की भाई गेंद को एक प्रॉपर ब्लॉक शॉट खेला, एक ब्लॉक शॉट खेला और भाई वहां पर मैच खत्म नहीं हुआ, अगले ओवर में मैच गया और भाई विराट कोहली ने अपने ट्रेडिशनल अंदाज के अंदर पहली ही गेंद पर बाउंड्री मारकर मैच को खत्म किया। तो भाई यहां से ये इंसिडेंट थोड़ा सा रिलेट कर पाए फैंस और कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाई ताना देने लगे हार्दिक पांड्या को, भाई आपके पास मौका था, आप चाहते तो भाई उस यंगस्टर का भाई 50 हो जाता, लगातार हाईएस्ट रन गेटर तो है ही, वो लगातार 2 मैचों में 250 हो जाते, लगातार 3 मैचों के अंदर अच्छा स्कोर इस लड़के ने खड़ा किया, तो एक यंगस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अगर ये अपना 50 पूरा कर लेता। खैर मैच की सिचुएशन भी ऐसे कुछ खराब नहीं थी कि अगर आप वहां पर बड़ा शॉट नहीं खेलते तो हम मैच हार जाते, मैच इंडिया के हाथ में था, 2 ओवर के आसपास पड़े हुए थे, 2 रन टीम इंडिया को चाहिए थे और अगर वहां पर हार्दिक पांड्या छक्का मारने के बजाय एक सिंगल दे देते और तिलक वर्मा के पास ऑप्शन होता एक विनिंग रन मारने का, तो वो एक ज्यादा अच्छी बात होती फॉर अ यंगस्टर, वो अपने रन विनिंग रन भी करता और साथ के साथ भाई मेन चीज होती उनका 50 भी आता। खैर इन सब चीज के बीच में हमने एक चीज और सुनी थी जहां पर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा आपस में बातचीत कर रहे थे। तिलक वर्मा ने पूछा था कि भाई क्या करूं मैं इस गेंद पे जब 7-8 रन चाहिए थे, 3-4 रन चाहिए थे, तो भाई तिलक वर्मा के इस सवाल पे हार्दिक पांड्या ने बोला कि अगर तेरे को मारना है तू मार और तेरे को नॉट आउट जाना है, लेकिन नॉट आउट देने का एक अंदेशा था हार्दिक पांड्या कप्तान का कि भाई आपको नॉट आउट जाना है और अपनी टीम को मैच जिताना है। आपकी क्या कुछ राय इस पूरी वीडियो को लेकर, आपको जो कुछ भी लगता हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।